पब्लिक टीवी आपकी आवाज। युवा निर्यातकों की संस्था यस के मुरादाबाद चैप्टर का अधिष्ठापन समारोह होटल हॉलिडे रिजेंसी में हुआ, जिसमें रोहित ढल को चेयरमैन और पुनीत आर्य को महासचिव चुना गया। एपीसीएच के महानिदेशक डॉक्टर राकेश कुमार की मौजूदगी में यस मुरादाबाद चैप्टर की नई कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण की। वहीं विशाल अग्रवाल को राष्ट्र महासचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। निवर्तमान चेयरमैन विशाल अग्रवाल ने अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों की जानकारी दी, साथ ही नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी। यस नेशनल सेक्रेटरी जेपी सिंह ने चैप्टर के नवनियुक्त चेयरमैन रोहित ढल और महासचिव पुनीत आर्य को उनकी कार्यकारिणी के साथ पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं चेयरमैन रोहित ढल, महासचिव पुनीत आर्य, ट्रेजरार रवि कपूर को बीसीएच के महानिदेशक डॉक्टर राकेश कुमार ने कॉलर पहनाया और 10 साल का चार्टर भेंट किया। यश के नेशनल चेयरमैन और ईपीसीएच के सीईओ डॉक्टर नीरज विनोद खन्ना और एमएचईए के कानूनी सलाहकार नजमुल इस्लाम को फूलमाला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मेयर विनोद अग्रवाल, ईपीसीएच के महानिदेशक डॉक्टर राकेश कुमार, ईपीसीएच के चेयरमैन राजकुमार मल्होत्रा, प्रिंस मलिक, अवधेश अग्रवाल, नवेदुर रहमान, विशाल अग्रवाल, तानिया भाटिया, अनुठल, करण दुग्गल, कुणाल दवे, प्रिया अग्रवाल के साथ और भी निर्यातक मौजूद रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन जेपी सिंह ने किया। जोरदार यस के द्वारा आज मुरादाबाद में इंस्टॉलेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया और इसमें मुरादाबाद के सभी निर्यातकों ने भाग लिया। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही उत्साह, बहुत ही पैशन, बहुत ही झील और उसके साथ यहाँ के निर्यातक आपस में इकट्ठे होकर के मुरादाबाद से जुड़ी हुई अलग अलग समस्याएं और मुरादाबाद से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर काम कर रहे हैं। ना केवल यहाँ निर्यात प्रोत्साहन पर काम हो रहा है बल्कि यहाँ उससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें, आर्टिसंस के वेलफेयर, उनके मेडिकल, उनकी स्पोर्ट्स और उनके बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, तमाम चीज़ों पर यहाँ पर यहाँ के निर्यातक बढ़ चढ़ करके सहयोग दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो मुरादाबाद नगरी है, जो पहले पीतल नगरी के नाम से जानी जाती थी, आज वो निर्यात नगरी के नाम से जानी जाती है और वो वास्तव में इन निर्यातकों के उत्साह की वजह से आपस में एक बड़ा अच्छा तालमेल बना के रख रही है। मैं उनको इसके लिए साधुवाद देता हूँ और मैं उन सबको, मुरादाबाद के निर्यातकों को बधाई देता हूँ। अच्छा सर, इस दौरान बहुत सारी समस्याएं निर्यातकों के सामने आ रही हैं, कुछ कुछ आपके सामने भी रखी गई, क्या कहेंगे, किस तरह से फेस कर रहे हैं? देखिए, समस्याएं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से टेकअप की जा रही हैं। अगर सेंटर की समस्याएं हैं तो उनको जिन जिन डिपार्टमेंट से समस्याएं हैं उस पर टेकअप कर रहे हैं। स्टेट में हैं, डिस्ट्रिक्ट में हैं तो यहाँ के उद्योग बंधु में टेकअप होती हैं, निर्यात बंधु में टेकअप होती हैं और ऐसे ही जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम लोग बहुत सजग तरीके से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के जरिए इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बैठ करके उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं। इंस्टॉलेशन का कार्यक्रम हुआ है, अभी
पूर्व में जो है 2 साल के बाद जो है इंस्टॉलेशन होता है, और हमारे जो बायलॉज हैं उसके हिसाब से चेयरमैन और चेयरमैन की पूरी टीम का नियुक्ति होती है। तो आज श्री राकेश कुमार जी जो कि EPCH के डायरेक्टर जनरल हैं और एक्सपो मार्ट के चेयरमैन हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हुए। उनके साथ में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के जो चेयरमैन श्री राजकुमार जी थे, और श्री किरण साहब जो कस्टम कमिश्नर हैं, मेयर, और श्री रितेश गुप्ता जी MLA मुरादाबाद, और भी अन्य लोग यहाँ, गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित रहे। क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर, और जो नई टीम बनी है उसको लेकर क्या कहना? आज जो टीम बनी है वो बिल्कुल युवा टीम है, जैसे कि अब आने वाला समय युवाओं का है, तो हमने ऐसे लोगों को, ऐसे एक्सपोर्टर्स को जो आगे करा है जो अभी बिल्कुल नई उम्र के लोग हैं, और क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम यस को और इसको अलग अलग सिटीज़ में, अलीगढ़, फिरोजाबाद और सहारनपुर जैसी जगह पे लेके जाएं, तो बिगर युवाओं के और जो उम्रदार लोग हैं उनका एक्सपीरियंस और युवाओं का कॉम्बिनेशन एक बनाया है। पब्लिक TV, आपकी आवाज़।